Assalamu alaikum. I welcome you all in another video lecture of thermodynamics. इस लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल्स कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि हमने अभी तक डिस्कस किया है प्रॉपर्टी टेबल के हवाले से और सैचुरेटेड लिक्विड सैचुरेटेड वेपर्स मिक्सचर रीजन और जो टेबल्स हमने डिस्कस किए टेबल नंबर A5 A4 एंड सो एंड सो फोर्थ. तो हम उन तमाम टेबल्स को अप्लाई करके देखते हैं कि उससे हम किस तरह डिफरेंट वैल्यूज निकाल सकते हैं. हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. पहला सवाल ये है कि हमारे पास एक सैचुरेटेड लिक्विड वाटर है. अब देखिए इस इम्पॉर्टेंट बात है कि हर सवाल में आपने हर 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 लफ्ज के ऊपर गौर करना है. सबसे पहले हमारे पास मास गिवन है. हमारे पास मास गिवन है एक सिस्टम का जो कि सैचुरेटेड लिक्विड वाटर है. सैचुरेटेड लिक्विड वाटर का मतलब क्या है पहले हमें ये बात बतानी चाहिए. सैचुरेटेड लिक्विड वाटर वो स्टेट होती है जब वाटर अबाउट टू बॉयल हो, ठीक है, इज इन अ टैंक, टैंक के अंदर है और टेम्परेचर जो है 90 डिग्री सेल्सियस है. हमें निकालना क्या है, प्रेशर निकालना है, उसका वॉल्यूम निकालना है. यहाँ पे टैंक है 50 kg, उसमें पानी है, 90 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है और सैचुरेटेड लिक्विड वाटर है. हम मतलब ये है कि अगर 90 डिग्री पे वो अबाउट टू बॉयल है तो विच मीन्स के उस पर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, वो उसका पी सेट होगा और हमें उसका वॉल्यूम में निकालना है. तो अब देखते हैं कि सवाल कैसे अटेम्प्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो स्टेट है ये किधर खड़ी हुई है. हमें ये बताया कि 50 केजी है सैचुरेटेड लिक्विड है और 90 केजी. तो हमारे पास टीवी डायग्राम के अंदर 90 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये सैचुरेटेड लिक्विड है, ठीक है. तो ये इस कर्व के इस पॉइंट के ऊपर एग्जैक्टली इस पॉइंट पर खड़ा हुआ है. तो इस पॉइंट पर आपके पास जो वी एफ की वैल्यू होती है वही आपके पास वो स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू होती है. तो अगर मैं टेबल नंबर A4 देखता हूँ जो कि सैचुरेटेड वाटर और टेम्परेचर टेबल को बताता है, तो मेरे पास फर्स्ट कॉलम में 90 डिग्री आता है तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग पी सेट है वो कितना है, 70.183 किलो पास्कल्स. ये वो प्रेशर होगा जिस प्रेशर के ऊपर ये सिस्टम मौजूद है जो कि 90 डिग्री सेल्सियस पर है और सैचुरेटेड लिक्विड वाटर की फॉर्म में मौजूद है. तो पहला पार्ट तो आपका क्लियर, सिंपली आपने टेबल से निकाल लिया. आप टेबल नंबर A4 में गए, टेबल नंबर A4 में पहला कॉलम 90 डिग्री टेम्परेचर का है, वहां पे हम 90 को आपने लॉक किया. देन यू मूव ऑन द राइट हैंड साइड, यू फाइंड के पी सेट की जो वैल्यू है वो 70.183 है. तो यही इसका आंसर है पहले पार्ट का कि आपने प्रेशर निकाल लिया. दूसरे पार्ट को देखते हैं कि हमें निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द टैंक. तो सबसे पॉइंट बताइए इस पॉइंट पर जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो कितना होगा, वो स्पेसिफिक वॉल्यूम इसका वी एफ होगा क्योंकि हम खड़े हैं सैचुरेटेड लिक्विड पर. तो इसी टेबल में उसी के आगे जो कॉलम में सैचुरेटेड लिक्विड का वी एफ लिखा हुआ है जो कि है 0.001036 यूनिट सेल्स के मीटर क्यूब पर केजी. तो आपने टेबल नंबर A4 से ही निकाला किसके वर्सेस, 90 डिग्री सेल्सियस के वर्सेस. तो आपने देखा कि V बराबर है वी एफ स्मॉल वी एफ एट 90 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल टू 0.001036 मीटर क्यूब पर केजी. अब आपको आपको बेसिकली वॉल्यूम निकालना है. आपने सिंपली क्या कर दिया कि स्पेसिफिक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिया विद द मास जो आपके पास गिवन है. तो केजी से केजी कैंसिल हुआ तो यू गेट द टोटल मास ऑफ द सिस्टम. इट्स अ प्रीटी सिंपल प्रॉब्लम जिसमें आपके पास, मैं फिर रिपीट करता हूँ, सबसे पहले आपने स्टेट को लॉक किया, स्टेट के सैचुरेटेड लिक्विड वाटर थी, आपके पास टेम्परेचर गिवन था, आप A4 में गए, पहले आपने मालूम हो कि वाटर है तो ये A4 टेबल ही में इस्तेमाल होगा. फिर आपने कहा कि अगर ये सैचुरेटेड है तो विच मीन्स कि ये वी एफ होगा क्योंकि ये लिक्विड वाटर है, ठीक है. अगर ये सैचुरेटेड गैस होती तो हम वी जी लेते. अच्छा यहाँ पे ऐसा अच्छी बात होती है कि हम आम बेहतर है कि हम इस स्टेट को इस टीवी कर्व के ऊपर प्लॉट कर लें, एक रफ फिगर बना लें जिसमें एक लाइन प्रोसेस लाइन ड्रॉ करें और इस पॉइंट पर जहाँ पे डॉट लगा हुआ है ये वो स्टेट है जहाँ पे ये 90 डिग्री सैचुरेटेड लिक्विड पर खड़ा हुआ है. तो दिस इज प्रीटी सिंपल न्यूमेरिकल. आगे चलते हैं, एक और न्यूमेरिकल देखते हैं. हमारे पास एक सवाल है जिसके अंदर आपके पास हमें निकालना क्या है, हमें प्रेशर निकालना है, हमें वॉल्यूम निकालना है और कंडीशंस क्या गिवन है. हमें मास ऑफ द लिक्विड गिवन है 8 केजी, मास ऑफ द वेपर गिवन है 2 केजी एंड टेम्परेचर दिया हुआ 90 डिग्री सेल्सियस और है सब्सटेंस क्या है, वाटर. अब आप गौर कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको गिवन है कि जो सिस्टम है या जो आपके पास प्योर सब्सटेंस है वो मिक्सचर में 8 केजी और 2 केजी के अंदर, ठीक है, मतलब 8 केजी और 2 केजी. अब क्लियरली नजर आ रहा है कि ये कौन सी स्टेट है, इट्स अ सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर स्टेट. पिछले सवाल में वो सैचुरेटेड लिक्विड थी, क्लियरली मेंशन था, यहाँ पे मेंशन नहीं है. मगर आप गौर कर सकते हैं कि यहाँ पे जब मास ऑफ एफ या इसको मास ऑफ लिक्विड कहते हैं और मास ऑफ वेपर गिवन है तो डेफिनेटली ये क्या है,
ये वो स्टेट है कि जो पानी बॉयल हो चुका है और नाउ इट इज इन द मिक्सचर रीजन। तो अब देखें सबसे इंपॉर्टेंट बात की कि हम इसको प्लॉट कर देंगे टीवी कर्व के ऊपर, ये कहाँ पर मौजूद है। तो टीवी कर्व के ऊपर ये हमारे पास इस लाइन के ऊपर मौजूद है जो 90 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉयल कर रहा है। अच्छा, अब हम ये बात देख चुके हैं कि A4 के अंदर, A4 में, टेबल A4 में 90 डिग्री सेल्सियस पर अगर मिक्सचर मौजूद हो तो डेफिनेटली ये बॉइलिंग हो रही होगी। तो उस पॉइंट पर जो कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर वो कितना है, 70.183, ये हमने निकाल लिया, राइट। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है जिस पर मिक्सचर है वो कहाँ है, वो इस लाइन के बीच में कहीं मौजूद है। तो आप गौर कर सकते हो कि यहाँ पे जो बॉक्स बना हुआ है इसमें 8 kg MF है विच इज द फ्लूइड एंड 2 kg इज द गैस, राइट, या वेपर। दैट्स व्हाई दिस पॉइंट इज नियरर टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कर्व विच इज सैचुरेटेड लिक्विड, राइट। तो आप A4 में गए, आपने वहां से P साइड निकाला क्योंकि उसी प्रेशर पर वो बॉयल हो रहा होगा। अब हमें निकालना है बेसिकली टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कैसे निकलेगा, V से। हमें पता है कि टोटल वॉल्यूम किसके बराबर होता है, VF प्लस VG के। और VG और VF किसके बराबर है, कि VF बराबर है मास ऑफ द फ्लूइड मल्टीप्लाई बाय द स्पेसिफिक वॉल्यूम, या स्पेसिफिक वॉल्यूम VF स्मॉल वॉल्यूम एट सैचुरेटेड लिक्विड का और गैस का, ठीक है, जो VG की वैल्यू है। तो VG की वैल्यू इसी टेबल में गिवन है 2.35 और VF की वैल्यू है 0.001236। यहाँ से आप VF की, यहाँ पे MF 8 kg है और MG जो है वो 2 kg, यहाँ से भी आपने टोटल V निकाल लिया। एक तरीका और है, वो तरीका है कि पहले हम क्वालिटी से निकाल लेते हैं, जो कि बेहतर तरीका है। हम अमूमन ये तरीका इस्तेमाल करते हैं जो मेथड नंबर 2 है। हम क्वालिटी निकालते हैं इस पॉइंट की, क्वालिटी की डेफिनेशन क्या है, मास ऑफ द वेपर डिवाइड बाय टोटल मास। मास ऑफ द वेपर कितना है, 2 kg, सवाल गिवन पेपर क्वेश्चन में गिवन था। टोटल मास कितना हुआ, 2 + 8 विच इज 10 kg। तो क्वालिटी जो है 0.2 है, विच मीन्स 20% ऑफ द टोटल मास जो है वो वेपर बन चुका है और अभी बाकी 80% अभी लिक्विड में ही है। हमारे पास ये रिलेशन हमने पहले क्लास में डिस्कस किया था कि V बराबर है VF प्लस XVFG के। तो VF क्या है, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड सैचुरेटेड लिक्विड, मतलब इस पॉइंट का जो कि 0.001036 है, ये कहाँ से निकला, इसी टेबल में आपके पास ये जो कॉलम था सैचुरेटेड लिक्विड का, वहां से आपने निकाल लिया, राइट, ये यहाँ पे प्लेस कर दिया। नाउ एक्स की वैल्यू आप निकाल चुके हैं पिछले स्टेप से। नाउ VFG क्या होता है, हमने एक बार डिस्कस की थी कि VFG इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द सैचुरेटेड वेपर वॉल्यूम एंड सैचुरेटेड लिक्विड वॉल्यूम। तो 2.3593 माइनस 0.001036, यहाँ से आपने VFG निकाल लिया। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 0.473 मीटर क्यूब पर kg एंड टोटल मास ऑफ द होल सिस्टम इज बेसिकली 10 kg। तो आपने सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया इसको kg के साथ एंड यू गॉट 4.73 एग्जैक्टली द सेम आंसर। सो दे आर टू डिफरेंट मेथड, बट आई वुड रादर प्रेफर टू यूज दिस वन जो मेथड नंबर 2 है। आई होप ये सवाल क्लियर होगा। अगर आपको सवाल क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क मी इन द लाइव सेशन, वी विल बी हैविंग अ लाइव Q&A सेशन इंशाल्लाह। आगे चलते हैं। सॉरी, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो स्प्योर सब्सटेंस है वो क्या है, R134a। इसका टेबल आपके पास डिफरेंट है, टेबल मैंने LMS के ऊपर अपलोड कर दी है, यू कैन चेक देम देयर। हमारे पास पहले हम देखते हैं हमारे पास कंडीशन क्या है। हमारे पास वॉल्यूम गिवन है, टोटल वॉल्यूम 80 लीटर्स, मास गिवन है 4 kg, प्रेशर गिवन है 1860 किलो पास्कल्स। हमें निकालना क्या है, हमें टेम्परेचर निकालना है, हमें क्वालिटी निकालनी है, हमें स्पेसिफिक एंथैल्पी निकालनी है, हमें वॉल्यूम ऑफ द वेपर फेज निकालना है VG, ठीक है। तमाम डाटा हमारे पास गिवन है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑल्दो हमें यहाँ पे कह रहे हैं कि क्वालिटी निकालो, वहाँ क्वालिटी निकालने का मतलब ये नहीं है कि वो मिक्सचर रीजन में, हो सकता है क्वालिटी 0 हो सकता है क्वालिटी 1 हो, क्वालिटी आती ही ना हो, बिकॉज हमने बात डिस्कस की थी कि कंप्रेस लिक्विड में और सुपरहीटेड लिक्विड में क्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती। सो हम देखते हैं कि हम किस तरह प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले हमने वो ग्राफ प्लॉट किया। अब आप गौर करेंगे यहाँ पे टेम्परेचर गिवन था, तो हम टेम्परेचर निकालना है, तो हमने पी वी कर्व को प्लॉट किया, राइट, हमने वो वाला डोम वैसे ही बनाया और फिर हमने पी कर्व को रफली ड्रॉ कर दिया। अच्छा, अब हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो कैसे निकलेगा। स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है स्मॉल वी, पहले आपने ये निकाला ताकि आप स्टेट चेक कर लें। आपने कैपिटल वी जो कि वॉल्यूम था 0.08 m³/kg, आपने 4 kg मल्टीप्लाई किया, तो आप यू गॉट 0.02। अब आप टेबल नंबर A12 में गए जो कि है रेफ्रिजरेंट टेबल, टेबल नंबर A12 सैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट 134A। आपके पास प्रेशर की वैल्यू गिवन थी,
प्रेशर की वैल्यू 160 किलो पास्कल है। इस पर आपने चेक किया कि VG की वैल्यू और VF की वैल्यू कितनी है। VG इज 0.12348 और VF है 0.0074 37। अब आप गौर कीजिए यहाँ पे VF की वैल्यू यहाँ और VG यहाँ लिखी, जो वैल्यू हमने निकाली है V की वो VF से बड़ी है और VG से छोटी है। इसका मतलब है कि ये बात साबित हुई है, ये बात प्रूव हो गई कि जो स्टेट है वो आपके पास इन बिटवीन द मिक्सचर रीजन समवेयर लाई कर रहा है। ये बात क्लियर हो गई, बात मतलब कि यह हमारे पास ये बात तो क्लियर हो गई कि V बराबर है, VG से छोटा है और VF से बड़ा है, तो ये डेफिनेटली जो है वो मिक्सचर रीजन में लाई कर रहा है। तो उसका मतलब है कि ये बॉइलिंग हो रही है, राइट। तो अब आपको जब बॉइलिंग हो रही है तो हमें पहला पार्ट क्या था कि हमें टेम्परेचर निकालना था। तो अगर मैं इस प्रेशर पर 160 किलो पास्कल पर टी सेट निकाल लूं तो दैट इज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बिकॉज बॉइलिंग हो रही है, दैट इज -15.6 डिग्री सेल्सियस। इस पर बॉइलिंग हो रही है इस रेफ्रिजरेंट 134A की। अब पार्ट टू था कि हमें क्वालिटी निकालनी है। क्वालिटी जो है आपके पास क्या होती है, क्वालिटी बराबर होती है V माइनस वी एफ अपॉन वी एफ जी। ये वही रिलेशन जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ यहाँ पे हमारे पास x के लिए हमने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। तो अब V की वैल्यू आप निकाल चुके थे पिछले स्टेप से 0.02, ये रख दिया आपने माइनस वी एफ। वी एफ की वैल्यू वही है जो आपने 160 किलो पास्कल पर निकाली है फ्रॉम टेबल नंबर A12, ये वाली वैल्यू। वी जी की वैल्यू, अच्छा आप नीचे लिखा हुआ है वी एफ जी, वो जो बराबर होता है वी जी माइनस वी एफ, ठीक है। ये एग्जैक्टली ये इन दोनों का डिफरेंस है, तो ये आपने ले लिया। यहाँ पे क्वालिटी वैल्यू आई 0.157। ये बात इससे बात से साबित हो रहा है कि ये जो रेफ्रिजरेंट है अभी ये लेफ्ट साइड की करीब है, बिकॉज इट इज नियर टू द सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, बिकॉज ओनली 15% इज कन्वर्टेड इन टू द वेपर, राइट। बाकी जो 80 जो भी परसेंट है माइनस कर दें आप 1 से, तो वो है अभी लिक्विड फेज में। अब अगला पार्ट था कि आपको स्पेसिफिक एंथैल्पी निकालनी। इसके लिए एग्जैक्टली वही करना है, कोई डिफरेंस नहीं है। आपने अब एच निकालना है, एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी। ये रिलेशन क्यों इस्तेमाल किया, बिकॉज अभी हमारे पास मिक्सचर रीजन में एच एफ की वैल्यू भी आपने उसी टेबल से निकालनी है। उसी लाइन के से अगर आप आगे जाएंगे तो यू विल फाइंड एंथैल्पी हियर वेयर एच एफ इज 31.21 एंड एच जी इज 241 एंड एच एफ जी इज हियर। यू कैन सी दैट 241 माइनस 31 जो है वो ये डिफरेंस बनता है। तो यहाँ पे एक्चुअली इसका टेबल प्लॉट हुआ है। तो यहाँ पे एच एफ की वैल्यू हमने निकाली, आपने एक्स की वैल्यू ऊपर से पुट कर ली एंड यू रिप्लेस एच एफ जी विद 209। तो यहाँ से आपके पास एंथैल्पी की वैल्यू आ गई इस सिस्टम की इस पॉइंट के ऊपर। पार्ट डी था वॉल्यूम ऑफ द वेपर, ओनली आपने वॉल्यूम ऑफ द वेपर निकालना है। तो ये बड़ा सिंपल सा पार्ट है। अगर आपको पता है कि आपके पास वॉल्यूम ऑफ द वेपर कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है वी जी वॉल्यूम ऑफ द गैस या वेपर बराबर होगा मास ऑफ द गैस मल्टीप्लाई बाय वी जी, जो कि स्पेसिफिक वॉल्यूम है इस पॉइंट का वी जी, राइट। वो आपके पास कितना है 0.123। अगर हमें ये नहीं पता कि हमारे पास मास ऑफ द गैस या मास ऑफ द वेपर एग्जैक्टली कितना है, बट हमें क्वालिटी पता है। क्वालिटी कितनी है आपके पास 0.157, टोटल मास कितना है 4 kg। तो यहाँ से हमारे पास मास ऑफ द वेपर निकल के आ गया कि अभी आपके पास 0.628 जो है वो मास ऑफ द वेपर्स है और आपके पास 4 kg टोटल मास था। तो जो स्पेसिफिक जो वेपर मास वेपर फेज में जो आपके पास स्पेसिफिक वॉल्यूम है सैचुरेटेड गैस का वो कितना है 0.123, ये आपने यहाँ से निकाला हुआ है। टोटल मास जो है आपके पास 0.628 था गैस का, यहाँ से आपके पास आ गया 0.07, जो कि 77.5 लीटर बनता है लिक्विड में। और जो इसके अलावा आपके पास टोटल मास कितना वॉल्यूम था 80 लीटर्स, और यहाँ पे 77.5 लीटर जो है वो गैस बन चुकी है और सिर्फ 2.5 लीटर जो है वो अभी लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। तो यहाँ पे ये सवाल खत्म हो गया। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि टेबल्स को प्लीज गेट फेमिलराइज विद इट, देर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल। इनिशियली जो शुरू के इस चैप्टर के शुरू के एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल नंबर 3.1 से लेके ऑनवर्ड्स, प्लीज गो थ्रू दोज एग्जाम्पल्स। वी विल बी सॉल्विंग मोर न्यूमेरिकल इंशाल्लाह इन द फ्यूचर क्लासेस। सो आई होप ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई सवाल में मसला हो तो प्लीज आस्क मी इन द लाइव सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अस्सलाम वालेकुम, आई वेलकम यू ऑल इन अनदर लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लास्ट क्लास में हमने कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे, कुछ प्रॉब्लम डिस्कस की थी। दोस प्रॉब्लम रिलेटेड टू द प्योर सब्सटेंस एंड हमने कुछ प्रॉपर्टी टेबल्स को इस्तेमाल करना सीखा था। कंटिन्यूइंग विद द सेम टॉपिक, मैं ये सवाल है जिसके अंदर हमारे पास मास गिवन है एक सिस्टम का, दैट इज 20 kg, द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड इज 6 m³,
गैस जो है 4 मीटर क्यूब है, टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है और इट्स अ वाटर। हमें इसकी क्वालिटी निकालनी है, इसकी एंथैल्पी निकालनी है। बाई यूजिंग द प्रीवियस न्यूमेरिकल्स एंड द एग्जाम्पल जो हमने क्लास में डिस्कस की थी पिछली क्लास में, ये प्रॉब्लम आप लोग खुद अटैम्प्ट कीजिए। एंड इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम इन अटैम्प्टिंग दिस प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी, राइट? सो वी विल आई विल नॉट बी सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम इन द क्लास। सो मूविंग फ्रॉम दिस मूविंग फॉरवर्ड, हम एक सवाल देखते हैं। हमने क्लास में डिस्कस किया था कि सुपरहीटेड वेपर्स और कंप्रेस लिक्विड स्टेट जो कि हमारे पास दो एक्सट्रीम स्टेट्स हैं, उनको हम देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज एग्जाम्पल फ्रॉम द बुक। यहाँ पे सवाल ये है कि डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर एट अ स्टेट ऑफ पी विच इज 0.5 मेगा पास्कल एंड एंथैल्पी इज 2890 किलो जूल्स पर केजी। हमारे पास एक सिस्टम है, उसका टेम्परेचर निकालना है हमें और उसका प्रेशर जो है वो 0.5 मेगा पास्कल है, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे कि हमारे पास ये स्टेट है कहाँ पे। सबसे पहले हम देखते हैं ए टेबल नंबर A5 में। तो टेबल नंबर A5 में जब आप जाते हैं तो हमें टेबल नंबर A5 जो है वो सैचुरेटेड लिक्विड वेपर टेबल है। A5 में जब आप 0.5 मेगा पास्कल पर देखते हैं तो आपको H की वैल्यू नजर आती है। अगर वो H की वैल्यू जो गिवन वैल्यू है आपकी H की वैल्यू, अगर आपकी ये वाली H की वैल्यू Hg से भी बड़ी है, अगर आपने सैचुरेटेड वाटर वेपर वाला टेबल देखा, मतलब जो A5 है वहां पे आपने चेक किया कि जो 0.5 मेगा पास्कल पर Hg की वैल्यू से भी बड़ी वैल्यू है ये वाली H की वैल्यू, और ऐसा है, राइट? बिकॉज आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके पास 0.5 मेगा पास्कल पर जो Hg की वैल्यू आ रही है, दैट्स द एक्सट्रीम पॉइंट ऑन द राइट हैंड साइड इस सैचुरेटेड लाइन के ऊपर, जो लास्ट पॉइंट है वो Hg होता है। तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली स्टेट जो है वो समवेयर इन द सुपर हीटेड रीजन है। तो आप जो है, जैसे आपने ये मालूम हुआ कि Hg की वैल्यू जो है वो 27848 है, जबकि जो आपके पास एंथैल्पी गिवन है वो 2890 है, तो हमारे पास विच मीन्स की ये गिरावट पड़ी है। तो हम टेबल नंबर A6 में जाएंगे। टेबल नंबर A6 जो है वो आपके पास सुपर हीटेड का टेबल है। नाउ A6 में आपके टेबल नंबर A6 में आप गए, वहाँ पे आपके पास देख सकते हैं कि आपके पास मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं, टेम्परेचर स्पेसिफिक वॉल्यूम स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी एंट्रोपी सो ऑन। यहाँ पे हेडिंग दे दीजिए पी इक्वल टू 0.5 मेगा पास्कल। ओके, तो इस टेबल के अंदर आप ये देखेंगे कि आपकी जो एच की वैल्यू है वो कहाँ पे आ रही है, राइट? एच की वैल्यू है 2890, राइट? 2890 वुड बी समवेयर अराउंड हियर, तो आपके पास 2890 या इसके दरमियान में कहीं होगी, राइट? 2890 समवेयर, राइट? 2890 यहाँ पे कहीं होगी वो वैल्यू। इसकी मदद से आप क्या निकाल सकते हैं, आप यहाँ पे आपने इसको इट बिटवीन 200 एंड 250, इसके दरमियान ये वैल्यू फॉल कर रही है। तो अब आपके पास इसके दरमियान की वैल्यू, सिंस टेबल जो है वो सारा डिटेल टेबलेट नहीं हुआ हुआ, टेबल में वैल्यूज मिसिंग है, तो इसके दरमियान की कोई वैल्यू है, ठीक है? और आपके पास यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो मिसिंग है, तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कैसे निकाला आपने? लीनियर इंटरपोलेशन से। लीनियर इंटरपोलेशन एक टेक्निक होती है जब आपके पास, आप यहाँ पे एवरेज भी ले सकते हैं, बट एवरेज एक जो है रिलेटिवली मतलब इनएक्यूरेट तरीका है निकालने का। लीनियर इंटरपोलेशन जो है हम डिस्कस करेंगे लेटर इन द क्लास। तो वो बेसिकली है क्या, वो बहुत सिंपल सी चीज़ होती है कि आपके पास अगर दो डेटा पॉइंट्स हो, और आपके पास दो डेटा पॉइंट्स हो यहाँ पर और तीन डेटा पॉइंट्स हो आपके पास यहाँ पर। मिसाल तौर पर अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एक वैल्यू, ये मिसाल यूँ कर लेते हैं, लेट्स से मुझे निकालना है 200 डिग्री सेल्सियस और 250 डिग्री सेल्सियस के दरमियान की वैल्यू, और हमारे पास जो है वो 2855.8 और 2960.0 वैल्यूज हैं। आपको एच के दरमियान की वैल्यू गिवन है, अब आपको इससे कॉरस्पॉन्डिंग टी निकालना है। तो आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज हैं, इसमें से एक अननोन है, पाँच नोन है। पाँच नोन कैसे? एच की इनिशियल वैल्यू गिवन है 200 कॉरस्पॉन्डिंग है, 250 कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू गिवन है, और इसके दरमियान की एच वैल्यू गिवन है जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। अब इसका कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर आपको निकालना है, ठीक है? तो ये एक टेक्निक है लीनियर इंटरपोलेशन। मैं इसका कुछ वीडियोज वगैरह शेयर करता हूँ लीनियर इंटरपोलेशन की, इंशाल्लाह दैट विल क्लियर द कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से आपने टेम्परेचर निकाल लिया। आगे चलते हैं, एक और सवाल देखते हैं। डिटरमाइन द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ कंप्रेस लिक्विड। वो खुद कह रहा है कि ये कंप्रेस लिक्विड है एट 80 डिग्री सेल्सियस एंड 5 मेगा पास्कल। 5 मेगा पास्कल और 80 डिग्री सेल्सियस पर कंप्रेस लिक्विड है। हमें ये बात कैसे मालूम हुई? हमें ये बात पता है
कि पानी वाटर जो है उसका जो बॉइलिंग, मतलब अगर आपके पास 5 मेगा पास्कल प्रेशर है दैट्स क्वाइट हाई, और टेम्परेचर जो है 80 डिग्री सेल्सियस है, विच मीन्स कि डेफिनेटली ये बॉयल नहीं हुआ, ये यकीन है इस रीजन में हो जहाँ पे कंप्रेस लिक्विड रीजन है। तो खैर एनी वेज ये चीज़ एक तो उसने मैंशन कर दी है, दूसरा ये कि हम ये बात निकाल भी सकते हैं। आप सिंपली जाएँ A4 टेबल में आप जाके देखें कि उसका या आप A5 में जाएँ या A4 में जाएँ, A4 में जाके देखें आप कि उसका सैचुरेटेड पी सेट कितना है, सैचुरेशन प्रेशर कितना है, डेफिनेटली वो बहुत कम होगा। तो यहाँ पे मेगा 5 मेगा पास्कल विच मीन्स बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये कंप्रेस लिक्विड में। उल्टा कर लेते हैं, अगर मैं A5 में जाता हूँ, A5 में 5 मेगा पास्कल का जो सैचुरेशन टेम्परेचर है वो बहुत हाई होगा और यहाँ पे काफ़ी ये कम है, या नज़र भी आ रहा है जैसे 263 थे, राइट। तो यहाँ पे निकालना है क्या हमें, यहाँ पे निकालना है हमें फ्रॉम द कंप्रेस लिक्विड स्टेट हमें इंटरनल एनर्जी निकालनी है, दैट्स रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल यू, और हमें हमें कंपेयर करना है कि टेबल नंबर A7 जो कि कंप्रेस लिक्विड वाटर है और सैचुरेटेड लिक्विड डाटा से कितना एरर आ रहा है। आपको याद हो, इफ़ यू रिमेंबर, मैंने एक बार डिस्कस की थी कि अगर आपके पास इनकम्प्लीट डाटा है कंप्रेस लिक्विड वाटर का, तो हम सैचुरेटेड लिक्विड टेबल में जो F की वैल्यू है वो भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। नाउ लेट्स चेक, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि एट 80 डिग्री सेल्सियस द सैचुरेशन प्रेशर इज 47.416 किलो पास्कल। इतना ये प्रेशर चाहिए आपको जब आप 80 डिग्री सेल्सियस पर बॉइलिंग कर सकते हैं, राइट। एंड सिंस 5 मेगा पास्कल इज वे हायर देन Psat, तो इट्स कंप्रेस लिक्विड, ये बात हम अभी मैंने डिस्कस कर ली है, राइट। आप उल्टा भी कह सकते हैं कि 80 डिग्री सेल्सियस पर आपको इतना प्रेशर चाहिए, या फिर इतने प्रेशर 5 मेगा पास्कल पर यू हैव टू हैव अ वेरी हाई टेम्परेचर जो कि बॉइलिंग कर सके। अब अगर हम टेबल नंबर A7 में देखते हैं, A7 में आपके पास आपने टेबल नंबर A7 में गए, आपने प्रेशर लॉक किया 5 मेगा पास्कल एंड यू गो टू द टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू आ रही है यू की वो कितनी है 333.82 किलो जूस पर केजी, ये आपके पास यू की वैल्यू आ रही है, ये आपने मैंशन कर दी, दैट्स द पार्ट वन फ्रॉम द कंप्रेस लिक्विड टेबल। पार्ट बी जो है वो आपके पास टेबल नंबर A4, टेबल नंबर A4 में आप गए, आपने टेम्परेचर 80 डिग्री लॉक किया और इस पर आपने क्या निकाल लिया, UF की वैल्यू निकाल ली। मैंने एक बार डिस्कस की थी आपको याद हो कि अगर हमारे पास सैचुरेटेड कंप्रेस लिक्विड डाटा नहीं है तो हम सैचुरेटेड लिक्विड डाटा जो A4 A5 है उनको भी यूज़ कर सकते हैं फॉर द कंप्रेस लिक्विड, बट उसके लिए हम F की वैल्यू निकालेंगे, चाहे वो HF हो, चाहे UF हो, चाहे SF हो या VF हो। अब आप और कर सकते हैं कि 80 डिग्री सेल्सियस पर जब आप टेबल नंबर A4 में गए तो आपके पास UF की वैल्यू कितनी आई, 334.97। तो अब अगर ये आई है फ्रॉम टेबल नंबर A4 और ये आई है टेबल नंबर A7, तो अब हम अगर इसका एरर कैलकुलेट करें, तो हम एरर कैसे करते हैं कैलकुलेट, दिस माइनस दिस डिवाइड बाय द इनिशियल वैल्यू, दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.34%, दैट इज लेस देन 1%। तो यहाँ पे एक बात साबित हो रही है कि कंप्रेस लिक्विड डाटा अगर अवेलेबल नहीं है तो हम टेबल नंबर A4 और टेबल नंबर A5 का जो लिक्विड डाटा है F की वैल्यूज हैं उनको भी कंसिडर कर सकते हैं अगर दैट स्टेट इज इन द कंप्रेस लिक्विड स्टेट। आई वो भी चीज़ क्लियर हो गई होगी, अगर आपको क्लियर नहीं तो प्लीज़ आस्क मी इन द लाइव सेशन। आगे चलते हैं, नाउ दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल टू अंडरस्टैंड डिफरेंट सिनेरियोस, हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस हैं, हमें एक टेबल फिल करना है। इस टेबल के अंदर आपके पास बेसिकली क्या है कि डिफरेंट स्टेट्स गिवन है, राइट। कुछ डाटा मिसिंग है और कुछ हमें फिल करना है, और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे हम ये मालूम करेंगे कि हमारे पास टेम्परेचर कितना है एंड यू कितना है एंड अदर डिफरेंट थिंग्स। तो पहले जो प्रॉब्लम है उसमें हमारे पास टेम्परेचर मिसिंग है, हमारे पास प्रेशर गिवन है, हमारे पास इंटरनल एनर्जी निकालनी है, हमें क्वालिटी गिवन है 0.6 और हमें फेज डिस्क्रिप्शन चाहिए। तो सबसे पहली बात तो हमें ये बात नज़र आ रही है यहाँ से कि अगर ये एक्स गिवन है दैट डेफिनेटली इट इज़ अ लिक्विड वेपर मिक्सचर रीजन, मिडल की पॉइंट, ठीक है। इसमें 60% जो है वो वेपर बन चुके हैं और 40% अभी लिक्विड के अंदर ही है, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ ये बड़ा आसान सा है, आपके पास प्रेशर गिवन है, आप किस में जाएंगे, टेबल नंबर A5 में जाएंगे, A5 के कॉरेस्पॉन्डिंग आप निकालेंगे Tsat, बिकॉज ये जो 0.6 है इट्स इन ये इस रीजन के अंदर लाई कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो आपके पास टेम्परेचर होता है वो सिंपली Tsat होता है। तो आप गए सिंपली A5 के अंदर बिकॉज प्रेशर गिवन है, अगर टेम्परेचर गिवन होता था हम A4 में जाते हैं। तो जो भी 200 किलो पास्कल का कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है वो 120.21 यहाँ गिवन है, वो आपने लिख लिया, दैट्स द, ये आपने यहाँ फिल कर लिया। नाउ
अब हमें यू निकालना है। अब यू जो है बेसिकली कैसे निकलेगा, बिकॉज यू जो है इट्स इन द मिक्सचर रीजन, यहाँ पर है वो कहीं। तो आपको ये पता है कि हमारे पास यू का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, यू इक्वल्स टू यू एफ प्लस एक्स यू एफ जी। अब हम टेबल नंबर ए फाइव में गए, 200 किलो पास्कल के कॉरेस्पॉन्डिंग हम देखेंगे हमारे पास यू एफ की वैल्यू क्या है। तो अब यहाँ से हम जब यहाँ से यू गॉट दिस वन राइट, दिस इज 504.5, दिस इज यू एफ कॉरेस्पॉन्डिंग टू 200 किलो पास्कल, 504.5। अच्छा, अब x की वैल्यू गिवन है आपके पास और यू एफ जी की वैल्यू भी सामने ही लिखी हुई है 2024। यहाँ से आपके पास यू की वैल्यू आ गई, तो आपके पास यू भी आ गया, टी भी आ गया। अब फेज डिस्क्रिप्शन सिंपल है, इट्स अ मिक्सचर रीजन राइट। तो ये एक मिक्सचर रीजन है, यहाँ पे इसको मुश्किल नहीं है, मिक्सचर रीजन आप यहाँ लिखेंगे मिक्सचर रीजन है राइट। मैं रिपीट कर देता हूँ, हमने सबसे पहले ये चेक किया कि हमारे पास क्वालिटी गिवन है, तो हमने ये बात अंदाजा लगा ली कि इट्स अ मिक्सचर रीजन। अब जब क्वालिटी गिवन है तो जो पी है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप टी सेट देख लो, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप जब यू एफ और यू जी निकालेंगे या यू एफ जी निकालेंगे, तो इसकी वजह से आप यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि मिक्सचर की एनर्जी जो इंटरनल एनर्जी वो डायरेक्ट नहीं निकलती, यू हैव टू यूज दिस क्वालिटी एज वेल टू फाइंड द इंटरनल एनर्जी ऑफ द मिक्सचर रीजन। मूविंग फॉरवर्ड हम नंबर टू देखते हैं, दिस वन। इसके अंदर हमारे पास मिसिंग क्या, हमारे पास प्रेशर मिसिंग है, हमारे पास क्वालिटी मिसिंग है, और हमारे पास फेज डिस्क्रिप्शन मिसिंग है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो, अब यहाँ पे हम कैसे चेक करें, तो हमारे पास टेम्परेचर गिवन, हम देखेंगे हमारे पास 125 डिग्री सेल्सियस जो है उसको हम देखेंगे ए फोर में, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम देखेंगे कि यू एफ और यू जी की वैल्यूज क्या है, बिकॉज यू गिवन है आपके पास। आपने जब ए फोर में आप गए, आपने 125 पर गए, आपने यू एफ चेक किया, दैट इज 524.83, और यू जी की वैल्यू आई 2534.3। इसका मतलब ये कि जो यू गिवन है वो इन यू एफ की और यू जी की वैल्यू के दरमियान कहीं लाया गया है। इसका मतलब ये है कि दिस इज अ मिक्सचर रीजन, अगेन यहाँ पे x की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। तो अगेन अगर हमें इस p कॉरेस्पॉन्डिंग p निकालना है तो बहुत आसान है, हम सिंपली क्या करेंगे, हम टेबल नंबर ए फोर में जाएंगे, जो टेम्परेचर है 125 डिग्री सेल्सियस उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो p सेट है वो निकाल लेंगे, दैट इज 232.23 डिग्री किलो 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 पास्कल राइट। ऐसा हमें कैसे मालूम हुआ, हमारे पास जो u की वैल्यू है जब उसको हमने कंपेयर किया 125 के कॉरेस्पॉन्डिंग यू एफ की वैल्यू के साथ और यू जी की वैल्यू के साथ, तो यू की जो वैल्यू है दैट इज लेस देन 2534.3 एंड इट इज ग्रेटर देन 524.83। तो ये बीच के अंदर लाई करती है, तो वो स्ट्रेट लाइन बनी गई, स्ट्रेट लाइन के अंदर लाई करी है। तो हेंस आपने 125 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पी सेट है वो निकाल लिया, तो आपके पास पी की वैल्यू आ गई। नाउ अब आपको निकालना है क्वालिटी, फेज डिस्क्रिप्शन क्या है, अगेन इट्स अ मिक्सचर रीजन, सिंपली लिख सकते हैं मिक्सचर रीजन। क्वालिटी निकालने के लिए आपके पास एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है कि आपके पास यू गिवन है, ये आप देख सकते हैं, यह रिलेशन जो गिवन है आपके पास, इसमें एक्स निकालना है, नाउ यू हैव यू वैल्यू राइट। तो यहाँ पे यू गिवन है 1600, यू एफ आपने यहाँ से निकाल लिया 524.83 एंड यू एफ जी जो है उसकी वैल्यू भी लिखी हुई है 2009.5 किलो जूल्स पर केजी। यहाँ से आपके पास 0.535 एक्स की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे अगेन आपने एक्स भी लिखा और पी की वैल्यू भी पुट कर दी। मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा, हमने पहले क्या किया, हमारे पास कुछ कोई भी चीज़ गिवन नहीं थी सिवाय टेम्परेचर और यू से, हमने ए फोर में गए और चेक किया कि भाई यू की वैल्यू जो है वो कहाँ फॉल करती है, 125 के कॉरेस्पॉन्डिंग यू की वैल्यू जो है वो यू एफ और यू जी के दरमियान में ही है। तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि भाई ये वैल्यू जो है, ये जो स्टेट है केस नंबर बी जो है वो मिक्सचर रीजन है। नाउ फिर आपने पास से पी सेट निकाल लिया एंड आफ्टरवर्ड्स आप जब वो मिक्सचर रीजन में, तो आपके पास एक्स की वैल्यू यकीनन कोई ना कोई होगी, तो आपके पास ये जो रिलेशन है इसको आपने इस्तेमाल करके यहाँ से एक्स निकाल लिया और फेज डिस्क्रिप्शन क्या है, इट्स अ मिक्सचर रीजन। मूविंग फॉरवर्ड हम देखते हैं कि सी क्या है। अब सी के अंदर हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास 1000 किलो पास्कल प्रेशर है और यू की वैल्यू दी हुई है 2950। तो अगेन हम कहाँ जाएंगे, हम सबसे पहले जाएंगे टेबल नंबर ए फाइव में। ए फाइव के अंदर हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो यू की वैल्यूज हैं वो किधर हैं। देखो ए और बी और सी में कोई फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ ये है कि बी में आप ए फोर में गए थे और सी में आप जाएंगे ए फाइव में। तो आपने क्या किया, आपने पहले चेक किया कि भाई जो 1000 किलो पास्कल की वैल्यू है ए फाइव में, ये लिखी हुई, इसका इसमें यू एफ और यू जी की वैल्यू कितनी है और जो गिवन है वो कितनी है, जो गिवन है वो 2950 है, विच इज ग्रेटर देन यू जी वैल्यू। यहाँ देख सकते हैं दिस लास्ट वैल्यू 1000, हम स्ट्रेट गए
यू फाउंड आउट दैट द यूजी वैल्यू इज 2582.8 जो कि 2950 से छोटी है, मतलब कि जो स्टेट है ये सी जो स्टेट है दिस इज इन द सुपर हीटेड रीजन राइट नाउ देन जैसे आपको मालूम हो कि सुपर हीटेड है आप टेबल नंबर A5 छोड़ के चलेंगे टेबल नंबर A61 आप 1 MPa दैट इज 101,000 kPa आपने चेक किया कि भाई यू की वैल्यू कहाँ फॉल कर रही है तो यू की वैल्यू जो है वो आप चेक करेंगे क्लोजली 2950 कहाँ है 2950 ये हियर यू गो 2950 इज अराउंड एट 400 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे वैल्यू कितनी है 2957.9 ये वैल्यू जो है आपके पास टेम्परेचर की ये 350 और 400 के दरमियान में बिकॉज जो यू की वैल्यू है 2950 वो 2875.7 और 2957.9 के दरमियान में फॉल कर रही है तो जो टेम्परेचर है वो यकीनन 350 से बड़ा होगा और 400 से छोटा होगा तो यू की वैल्यू जो है 2875.7 और 2957.9 के दरमियान है ये देख सकते हैं आप 295 तो अगेन आपने यहाँ लीनियर इंटरपोलेशन अप्लाई की आई वुड रिकमेंड यू गाइस टू चेक द लीनियर इंटरपोलेशन हाउ टू अप्लाई इट मैं फिर रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे ये कितना मुश्किल काम नहीं है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2957 वैल्यू नोन है इट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू 400 350 इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू 2875 और यू की जो वैल्यू हमें ये गिवन है 2950 तो हमें इसके दरमियान के टेम्परेचर निकालना है तो वी कैन यूज लीनियर इंटरपोलेशन टू सॉल्व इट प्लीज गो थ्रू द इंटरनेट एंड लर्न हाउ टू यूज लीनियर इंटरपोलेशन आई विल शेयर सम यूजफुल लिंक्स टू अंडरस्टैंड लीनियर इंटरपोलेशन अगर आप लीनियर इंटरपोलेशन में कोई मसला हो इट्स नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड प्लीज आस्क मी इन द लाइव सेशन इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड द वैल्यू बाय लीनियर इंटरपोलेशन तो अगेन यहाँ पे हमने पहले चेक किया कि भाई स्टेट क्या है और जब आपने मालूम होगा सुपर हीटेड है तो सुपर हीटेड फेज डिस्क्रिप्शन सुपर हीटेड होगी इसकी और इसमें एक्स की वैल्यू जो है वो नॉट एप्लीकेबल आ जाएगी बिकॉज सुपर हीटेड में एक्स की वैल्यू नहीं होती तो हम क्वालिटी को कोई मेंशन नहीं करते हम ना जीरो लिखते ना वन लिखते हैं इट्स सिंपली नॉट डिफाइंड और यू विल आप लिख सकते हैं कि नॉट एप्लीकेबल ठीक है मूविंग फॉरवर्ड थर्ड सॉरी पार्ट डी जो है पार्ट डी में आपके पास टेम्परेचर गिवन है और प्रेशर गिवन है ठीक है दैट्स प्रीटी सिंपल तो आपने ये देखा कि 75 डिग्री सेल्सियस आप A5 में गए A5 में आपने देखा कि 500 डिग्री सेल्सियस जो है वो आपके पास प्रेशर पर उसका टेम्परेचर कितना होता है जैसे 75 या आप देख सकते हैं 75 पर प्रेशर कितना है तो आपको ये मालूम हुआ कि आपके पास टेम्परेचर जो है 75 पर जो पी सेट है वो 38 होता है और यहाँ पे पी सेट पी जो है वो काफ़ी बड़ा है विच मीन्स कि दिस इज इन द कंप्रेस लिक्विड स्टेट ठीक है जी या तो हम लेट्स से वी गो लेट्स गो टू द A5 टेबल फर्स्ट राइट हम A5 में गए A5 में हमने चेक किया 500 कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कितना है 151.83 तो 500 kPa का किसी का प्रेशर है तो उसको 151.8 टेम्परेचर चाहिए बॉइलिंग के लिए तो ये टेम्परेचर जो गिवन है दैट इज क्वाइट लो तो ये अभी किस स्टेट में ये कंप्रेस लिक्विड स्टेट में राइट कंप्रेस लिक्विड स्टेट का मतलब है कि फेज डिस्क्रिप्शन आ गई कंप्रेस लिक्विड स्टेट एक्स की वैल्यू अगेन इट विल नॉट बी अप्लाइड बिकॉज द कंप्रेस लिक्विड में सुपर हीटेड में एक्स की वैल्यू अप्लाई नहीं होती अब हमें निकालना है यू की वैल्यू अगेन हम अगर हम सिंपली जाएंगे इसमें टेबल नंबर A4 में हम कंप्रेस लिक्विड टेबल इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि ज़रूरत नहीं है हमारे पास एरर बहुत मिनिमल होता है राइट तो हम 75 डिग्री सेल्सियस पर गए और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग यू एफ की वैल्यू है वो ले लिया आपने दिस इज 313.99 दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू द यू वैल्यू एट 75 डिग्री सेल्सियस एट दिस प्रेशर राइट तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट यू पहले आपने स्टेट डिफाइन की देन जब स्टेट डिफाइन हो गई तो आप फेज डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं और देन आफ्टरवर्ड एक्स वैल्यू लिखनी है नहीं लिखनी अगर सुपर हीटेड है तो नहीं आएगी अगर कंप्रेस लिक्विड है तो नहीं आएगी और अगर मिक्सर रीजन है फिर वहाँ पे एक्स आपको निकालना पड़ेगा ऐसे पार्ट नंबर आई गेस पार्ट नंबर 1 या 2 में हमने पार्ट नंबर AB में किया था राइट मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास यहाँ पे ये बड़ा सिंपल है यहाँ पे क्लियरली एक्स गिवन है अब एक्स अगर जीरो है इसका मतलब ये है कि इट्स अ सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट एग्जैक्टली वो पिन पॉइंट वो लोकेशन है जहाँ पे सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट है और आपके पास पी कितना है गिवन है 850 kPa तो प्रेटी सिंपल हमारे पास ऑप्शन क्या है सिंपली ए टेबल नंबर A5 में गए 850 को लॉक किया आपने A50 की कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर को चेक कर लिया कितना है 172.94 और एग्जैक्टली जो यू एफ की वैल्यू है 731.00
किलो जूस पर केजी, वही आपके पास यूएम की वैल्यू होगी, बिकॉज यूज और यहाँ फेस डिस्क्रिप्शन क्या होगी, सैचुरेटेड लिक्विड, बिकॉज एक्स की वैल्यू कितनी लिखी हुई है, जीरो। अगर एक्स बराबर होता है वन के तो ये होता है सैचुरेटेड वेपर, राइट। सो दिस इज हाउ यू फिल द टेबल। इसमें डिफरेंट डिफरेंट केस स्टेट्स हैं, उनको हमने फिल किया। मैं लेक्चर स्लाइड से अंदर कुछ प्रॉब्लम हैं जो कि मैंने डिस्कस क्लास में नहीं की लेक्चर स्लाइड में, प्लीज वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा बाई यूजिंग द सेम मैथड। प्लीज इसको कॉपी मत कीजिए, सोल्यूशन अवेलेबल होंगे, प्लीज आप इसको खुद ट्राई कीजिएगा। एंड बिकॉज विदाउट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम टेबल्स आप आगे नहीं कर सकेंगे। अगर आपको कोई मसला हो तो यू कैन आस्क मी। मैं इंशाल्लाह और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का जो अगला पार्ट है वो, इसमें हम आइडियल गैस पर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। इस एक और बात, इसका जो आखिरी सवाल है, प्लीज ट्राई दिस एट योर होम, इसको खुद ट्राई कीजिएगा। मैं स्लाइड्स अपलोड कर दूंगा एंड उन स्लाइड्स के तमाम सवाल मौजूद होंगे जो कि मैंने लेक्चर में सॉल्व किए हैं या नहीं किए। अगर वो क्लास में डिस्कस नहीं किए थे तो दोज आर मेंट टू बी सॉल्व बाय यू, राइट। तो थैंक यू अगेन फॉर लिसनिंग, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी कवरिंग द रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर इंशाल्लाह। सो प्लीज गो थ्रू दीज न्यूमेरिकल्स, एंड जो भी एग्जाम्पल्स इस बुक में सॉल्व हुई हैं उनको ट्राई कीजिए, इस बुक के जो न्यूमेरिकल्स हैं प्रॉब्लम उनको ट्राई कीजिए, एंड इस तरह के टेबल्स बने हुए बुक के आखिर में, इस चैप्टर के आखिर में, उनको अगर आप फिल करेंगे तो यू विल गेट टू नो हाउ टू यूज टेबल। अगर आपको कोई मसला हो तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी, एंड थैंक यू वेरी मच।